हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है इस स्टाइलिश इंडिकेटर के ऊपर। एलईडी इंडिकेटर है और ये हम अपने बाइक में लगाने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस में। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, 350 के आसपास इसका प्राइस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके मंगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका वाइज़र खोलना पड़ेगा। तो वाइज़र के लिए ये वाला नट जो है इसे खोलना है हमें, दोनों साइड में है एक एक नट। तो मैं पहले इसका वाइज़र खोल लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। नया वाला इंडिकेटर लगाने के लिए हमें पुराना वाला इंडिकेटर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ये वाला नट हमें खोलना है बस, दोनों इंडिकेटर का, और इंडिकेटर उसके बाद निकल जाएगा आराम से। पुराना इंडिकेटर हमने निकाल दिया है वाइज़र से, अब हम इसमें नया वाला इंडिकेटर लगाएंगे। और ये फ्लेक्सिबल भी है, अच्छे से आप देख सकते हैं, और एलईडी इंडिकेटर है। तो चलिए जल्दी से इसे हम वाइज़र पे लगाते हैं। दोनों इंडिकेटर हमने वाइजर पर लगा लिए हैं, इस तरह से लुक आ रहा है। अब इसे बाइक में हम फिट करेंगे। जब भी हम बाइक पे एलईडी इंडिकेटर लगाते हैं तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये ग्रीन वाला जो है बाइक में, ये निगेटिव होता है, और एलईडी इंडिकेटर में ब्लैक वाला निगेटिव है, तो इसे हमें इसमें डालना है। और ये जो ऑरेंज वाला है ये इस साइड का है, इंडिकेटर का है, यानी कि राइट साइड का। अगर बाइक हमारे सामने हो तो राइट साइड होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें लगा देना है, और दूसरे वाले साइड के इंडिकेटर का ब्लैक वाला वायर निगेटिव में, और ये पॉजिटिव वाला वायर ऑरेंज कलर में, सॉरी ऑरेंज नहीं, ये स्काई ब्लू कलर में। आगे वाला इंडिकेटर मैंने पूरा लगा लिया और वाइजर भी फिट कर लिया। और अच्छा इंडिकेटर, जो प्राइस के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा है, 350 के आसपास पड़ा है, और इतना फ्लेक्सिबल है। और इसे मैं आपको जला के भी बताऊं तो बहुत ही ब्राइट है इंडिकेटर। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब इसका पीछे वाला इंडिकेटर भी हम लगाएंगे। पीछे वाला इंडिकेटर लगाने के लिए हमें पीछे का इंडिकेटर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ये वाला नट हमें निकालना है दोनों इंडिकेटर का, और उसके बाद सीट भी खोलना पड़ेगा इसका वायर डालने के लिए। तो साइड पैनल खोलना है और उसके बाद सीट, उसके बाद इंडिकेटर निकाल के नया वाला इंडिकेटर फिट करना है। Thank you.
पीछे का इंडिकेटर भी मैंने फिट कर लिया है, बस ये नट हमें टाइट करना होता है जैसे हमने आगे वाइजर में किया उसी तरह सेम इसे भी करना है। और कुछ इस तरह से लग गया है और पीछे वाले इंडिकेटर का वायरिंग भी सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने आगे वाले का किया था। तो जल्दी से सब मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट इसका फाइनल लुक बताता हूँ। जब भी हम LED इंडिकेटर लगाते हैं तो कभी कभी हमें फ्लेशर भी चेंज करना पड़ता है दोस्तों। कुछ कुछ फ्लेशर जो है LED इंडिकेटर को नहीं जला पाता, मेरे बाइक में लगा है तो चल रहा है। आप भी कभी भी लगाएंगे LED इंडिकेटर तो अगर ब्लिंक ना करे या जले नहीं तो एक बार फ्लेशर को ज़रूर चेक करें। चारों इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइक इस पर कैसी लग रही है। और पीछे से भी आपको एक बार बताता हूँ मैं, कुछ इस तरह से पीछे से लग रही है। और ये इसे एक बार आपको धूप में भी जला के बताता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं धूप में भी अच्छे से नज़र आ रही है। कुछ LED इंडिकेटर ऐसी होती है जो तो धूप में दिखती नहीं है थोड़ी सी भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना दोस्तों, और पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।